अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर वक्त में। यकीनन बेलगाम सिटी कॉरपोरेशन के इंतखाबात हुए, चुनाव हुए, लेकिन अब तक कॉरपोरेटर्स दाखिल नहीं हो पाए, ये भी सच्चाई है। लेकिन एक ख़ास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कॉरपोरेशन इलेक्शन में 3 बार जीत दर्ज की और फिर इस बार भी उन्होंने कांग्रेस की जानिब से वो जीत दर्ज कर चुके हैं। लिहाजा 12 मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगते रहे। सबसे पहले मुजम्मिल भाई, आपका खैर मकदम। आप जिस जगह पे बैठे हैं, इसी जगह पर आम आदमी पार्टी के राजू टोपन और यहाँ आए थे और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कॉरपोरेटर्स जो है वो आवाज़ नहीं उठा सकती, इसलिए कि उनके अंदर दम नहीं है। तो ये इल्ज़ाम जो लगाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपने जो कहा, एक बेलगाम के लीडर, मुझे समझ में नहीं आता कि वो अपने आप को लीडर कैसे कहते हैं, क्योंकि रहा सवाल दम का, दम तो सभी में होता है, लेकिन एक अदालत जो सुप्रीम कोर्ट का, मेरे पास एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर के अंदर साफ लफ्ज़ों में ये कहा गया है कि जहाँ भी ओबीसी बी जहाँ कैटेगरी है वहाँ इलेक्शन ना करें और सरकार से बातचीत करके करें। फिर इलेक्शन आरसी से भी हमारी बातचीत चल रही है, उन्होंने एक लेटर लिखा है और डायरेक्शन पूछा है कि बेलगाम वहाँ ओबीसी बी महिला जो कैटेगरी है, हम इलेक्शन कैसे करें जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। फिर वहाँ से अभी तक जो अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी से उन्होंने जवाब पूछा, तो वहाँ से जवाब पूरा टाइटल क्लियर नहीं आया, इस वजह से और एक बार उन्होंने डायरेक्शन पूछा है। और कल भी हम गए थे वहाँ, जल्द से जल्द डायरेक्शन आएगा, तो उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम इलेक्शन लेंगे। और रहा सवाल दम का या MLA के तलवे चाटने का, जो जो उन्होंने पार्टी के, हमारे जो कांग्रेस कॉरपोरेटर्स के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। पहले तो ये टोपनर साहब जो है, एक मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक संगठन में थे, इसके बाद में BJP गए, BJP में से KGP में आए, KGP में से और BJP में गए और अभी आम आदमी में आए। और कमीशन खाने का जहाँ तक का सवाल है, उनको अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि कहाँ से कमीशन मिलती है, क्योंकि पार्टी वही तो बदलते आए हैं, हमारी तो शुरू से एक ही पार्टी रही है, हम एक ही पार्टी के अंदर काम करते आए हैं। और हमारे जो कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स है, वो तो नॉर्थ होने दो या साउथ होने दो, दोनों जगह हमारे MLA तो अपोजिशन में हैं। कर्नाटक को भी जो सरकार है वो भाजपा की है, और यहाँ भी जो कॉरपोरेटर्स जीत के आए 35 कॉरपोरेटर्स, वो BJP की है। तो इसमें कांग्रेस को दोष देने का सवाल नहीं आता, क्योंकि हम अपोजिशन में हैं। फिर भी हमारे जहाँ तक की जो उन्होंने कहा दम की और इसकी बात है, हमारे कॉरपोरेटर्स के अंदर दम है, इसलिए 2021 के अंदर वो जीत के आए हैं। और इंशाल्लाह 2023 के अंदर भी जो असेंबली इलेक्शन, जो हमारा जो MLA इलेक्शन आने वाला है, उस इलेक्शन में भी हम, हमारे कॉरपोरेटर्स के अंदर कितना दम है वो हम दिखाएंगे। और रहा सवाल जो इसके अंदर लेडीज़ कॉरपोरेटर्स भी है, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है कि MLA के तलवे चाटना, कमीशन, लोगों को पता है बेलगाम की पब्लिक बहुत होशियार है, ये जनता के नाम पर, जनता के नाम पर एक अपनी पॉलिटिकल एक रोटी सेकने का काम चला है। पब्लिक बहुत होशियार है, वो समझती है कि कौन मोर्चे के नाम पर पैसे पब्लिक से उठाता है, लोगों को मालूम है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा ये जो बोल रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस, मैं जैसा बोला कि तीनों जगह, सेंटर में होने दो, कर्नाटक में या कॉरपोरेशन में, तीनों जगह हम अपोजिशन में हैं। और रहा सवाल जो आम आदमी यहाँ बेलगाम नॉर्थ के अंदर या साउथ के अंदर, जो 58 कॉरपोरेटर में जो कॉरपोरेशन का खाता नहीं खोल सकी, वो MLA के खाब क्या देखेंगे? और मुझे पता है कि जानबूझ के आम आदमी का कैंडिडेट उतार के कांग्रेस में, खास करके नॉर्थ के अंदर, ये साजिश करके सेक्युलर वोट को डिवाइड करने का काम आम आदमी पार्टी करेंगे, लेकिन हमारी बेलगाम की जनता बहुत होशियार है, आने वाले दिन में पूरी जनता जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ में रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से हमारी एक बार सीट आएंगी इंशाल्लाह। मैं राजू टोपनर साहब से कहना चाहता हूँ कि रहा सवाल भाजपा का, भाजपा तो आप ही की पार्टी है, क्योंकि हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आम आदमी जो है वो BJP की बी टीम है। आप उठा के देख लीजिए, दिल्ली के अंदर जो भी MLA इलेक्शन हुआ,
वहाँ हुकूमत थी जहाँ शीला दीक्षित वहाँ की जो सीएम थी, वहाँ भाजपा का कार्ड नहीं चलता बल्कि वहाँ आम आदमी को लाया गया, सेक्युलर वोट को डिवाइड किया और वहाँ आम आदमी सत्ते में आए। उसके अलावा जो पंजाब में, पंजाब में भी वहाँ जो सरकार थी हमारे कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ भी बीजेपी का कार्ड नहीं चलता बोल के वहाँ भी, और उनको पता है कि भाजपा का एक जो वोट बैंक है वो फिक्स है और कांग्रेस का सेक्युलर जो वोट बैंक है उसे डिवाइड क्यों करे, कैसा करे करके बोल के एक आम आदमी को उन्होंने तैयार किया। और आम आदमी और भाजपा ये दोनों पार्टी एक है। और रहा सवाल सिटी के, जैसा वो बोल रहे हैं कि सिटी के अंदर स्ट्रीट लाइट बंद है, कभी आप आइए मेरे वार्ड में, खास करके सिटी के अंदर हम काम कर रहे हैं, सिटी के अंदर बहुत भी और भी कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स है, जैसा हमारे समील लम्हाड़ी वाले है और हमारा सुहेल संगोड़ी है और उसके अलावा अफरोज़ा मुल्ला है, चारों कॉर्पोरेटर्स और बाकी के भी हमारे कांग्रेस के कॉर्पोरेटर है, अपने एक काबिलियत के ऊपर वो इलेक्शन जीत के आके अपने वार्ड के अंदर वो अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। उनको कांग्रेस के कॉर्पोरेटर कितने अच्छे हैं, किसको सर्टिफिकेट देने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। और मैं ये बात करने की वजह इतना ही है कि बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स फ़ोन कर रहे थे कि इसका जवाब देना ज़रूरी है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तो समझता हूँ कि इसका जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को मालूम है जो आपके साथ में बात करने वाला जो बंदा है वो कितना काबिलियत रखता है, वो सबको मालूम है। एक खाली एक कॉर्पोरेशन के ऊपर अपनी पॉलिटिकल एक रोटी सेकने का एक काम चला है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुजम्मिल ढोनी साहब 3 बार हैट्रिक पहली मरतबा बेलगाम शहर में हुआ है, तो इन्होंने बड़े ही वाज अंदाज में बताया कि, और एक इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाया कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है, इसलिए कि उन्होंने मिसाल भी पेश की दिल्ली या फिर पंजाब की। उनका ये इल्ज़ाम है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही तरह से है। उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो भी जवाब दिए हैं उससे शायद तमाम आवाम इत्तफाक रखती होगी, मुत्तफिक होंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।